दोस्तों, केंद्रापड़ा भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक छोटा सा शहर है। इस भूमि के पीठासीन देवता श्री बलदेव जी है और इस स्थान का नाम कोंद्रासुर पर पौराणिक उपाख्यानों के कारण पड़ा है। भगवान बलदेव जी के अलावा केंद्रापड़ा समुद्री गतिविधियों का खजाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर एक पर आता है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह अभयारण्य गहरे मैंग्रोव जंगलों और खारी नदियों से आच्छादित है। यह प्राकृतिक मगरमच्छ प्रजनन के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। अभयारण्य स्वर्गीय प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है और इसमें हिरण, जंगली सुअर, बंदर, मॉनिटर लिजर्ड, अजगर और किंग कोबरा जैसे असंख्य जानवर पाए जाते हैं। नंबर दो पर आता है बलदेव जी मंदिर। यह मंदिर ओडिशा के तुलसी क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। यह मंदिर ओडिशा के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है जो केंद्रापड़ा के पास इच्छापुर में स्थित है। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे छोटे मंदिर भी देखे जा सकते हैं जो प्राचीन ओडिशा के स्थापत्य कला को प्रदर्शित करता है। मंदिर का मुख्य द्वार रथ यात्रा है जिसे श्रीगुंडीचा और बाहुड़ा यात्रा के रूप में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर केंद्रापड़ा टाउन से 5 किलोमीटर और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बलदेव अपने भाई और बहन के साथ मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता है। भगवान बलदेव की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी के कारक फेस्टिवल के समान लोकप्रिय है। नंबर तीन पर है कनिका महल। कनिका पैलेस जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यह महल केंद्रापड़ा के वैभवशाली इतिहास का प्रतीक है। राजा राजेंद्र नारायण वंशदेव ने इस मंदिर की नींव 9 जून 1909 में डाली थी। महल के निर्माण में 10 साल लगे थे। महल 4 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैला है और इसकी संरचना की ऊंचाई लगभग 75 फीट है। नंबर चार पर है गहिरमथा समुद्री अभयारण्य। 1997 में स्थापित इस कछुआ अभयारण्य को विश्व के सबसे बड़े कछुआ प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यह कुल 1440 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और भुवनेश्वर से करीब 179 किलोमीटर दूर है। गहिरमथा समुद्र तट का एक हिस्सा कछुआ अभयारण्य वही स्थान है जहाँ कोई भी अलिबली डिले कछुओं को देख सकता है। नदी के उस पार नाव भी सवारी करना और धीरे धीरे विस्तृत समुद्र में उतरना एक ऐसा अनुभव है जो बेहद रोमांच और उत्साह से भरा हुआ है। ये कछुए दक्षिण प्रशांत महासागर से गहिरमथा के तट पर प्रजनन के लिए यात्रा करते हैं। इनमें से लगभग 500,000 प्रजातियां हर साल संभोग के लिए समुद्र तट पर आती है। नंबर पाँच पर है कुकीटोला। केंद्रापड़ा जिला के महाकालपड़ा ब्लॉक के बंगाल की खाड़ी में जम्बूद्वीप पर स्थित है। द्वीप पर 7,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र वाले एक भवन का निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1866-67 में 9 अंक सुखे के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग बर्मा और अन्य स्थानों से समुद्री मार्ग से आयात चावल को स्टोर करने के लिए किया जाता था। यह 19वीं शताब्दी में निर्माण औद्योगिकी में हुई प्रगति का प्रमाण है। यह स्मारक भूमिगत वर्षा जल संचयन प्रणाली के साथ एक राजस्व इमारत समुद्री क्षेत्रों में राज्य के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। नंबर छः पर आता है लाइट हाउस। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थापित पहला लाइट हाउस है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। यह खारीनासी नदी के दूसरे तट पर बतीघर नामक गांव में स्थित है। एक समय में यह कौड़िया द्वीप के रूप में जाना जाता था और कुजंग राजाओं के शिकार के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इस लाइट हाउस का निर्माण 6 दिसंबर 1836 को शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर 1837 को इसे रोशन किया गया था। नंबर सात पर आता है सखी बट। यह 500 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो बीते समय के मुखो गवाह है। इसे केंद्रापड़ा जिले के सखी बटा में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। लगभग 600 ट्रंक और उप ट्रंक के साथ 1.3 एकड़ भूमि में फैले विशाल पेड़ को पूरे वर्ष पर्यटकों की यात्रा के बाद राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। नंबर आठ पर आता है इकाकुला द्वीप। यह केंद्रापड़ा में एक अनूठा द्वीप है जहां दिन में ज्वार के दौरान बाइक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। आप जम्बू से नाव के माध्यम से भी वहां पहुंच सकते हैं। यह जगह बहुत खूबसूरत है। एक बार जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अब स्वर्ग में है। नंबर नौ पर है ओल पैलेस। यह ओल टाउनशिप के पास स्थित है। यह 40 एकड़ भूमि में फैला
एक प्राचीन महल है। राजबाटी, रानी महल, घोड़ासाल, भंडार उद्यान, प्रमोद उद्यान, देवालय, देवी मंदिर जैसी अन्य संरचनाएं महल में शामिल है। नंबर 10 पर आता है लक्ष्मी बराह मंदिर। लक्ष्मी बराह या लक्ष्मी बराह जीव मंदिर एक 500 साल पुराना मंदिर है जो भगवान विष्णु के स्वर अवतार को समर्पित है, जिसे बराह कहा जाता है। साथ ही देवी लक्ष्मी भी विराजमान है।